जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। इस संगम में हम जानेंगे कि मीन लग्न वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा, किस महीने में उनको प्रेम में सफलता प्राप्त होगी, किस महीने में उनके धन की आवक अच्छी रहेगी, किस महीने में रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, किस महीने में भूमि मकान वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत का देव निरंजन। आइए दोस्तों मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न वालों के लिए जनवरी का जो महीना रहेगा 2022 का, वो खर्चों में वृद्धि कर सकता है। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। आध्यात्म की ओर आपका झुकाव रहेगा। अचानक से धन की हानि हो सकती है और भूमि मकान वाहन पर आप खर्चा कर सकते हैं। फरवरी की बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। आय के अन्य स्रोतों से आपको लाभ हो सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पुत्र से परेशानी हो सकती है और कार्य की अधिकता रहेगी। मार्च की बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। मार्च में राहु का राशि परिवर्तन रहेगा, तो आपके दूसरे भाव में होगा राहु का राशि परिवर्तन, तो भ्रम की स्थिति बना देगा। परिवार में वाद विवाद हो सकता है। वाणी कटु हो सकती है। रोग ऋण शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और आध्यात्म की ओर आपका झुकाव रहेगा। अप्रैल की बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। अप्रैल में गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में विराजित हो जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी शानदार रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति एक राजयोग का निर्माण यहाँ पर कर देंगे। खर्चों पर रोक लग जाएगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पुत्र से लाभ हो सकता है। प्रेम में आपको सफलता प्राप्त होगी। विवाह के योग बन जाएंगे। वैवाहिक जीवन के मतभेद जो थे वो समाप्त हो जाएंगे और धार्मिक यात्राओं के योग बन जाएंगे। मई की बात करते हैं। मई में शनि का राशि परिवर्तन होगा, तो आपके विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। धन खर्च हो सकता है। पुराने मुकदमों में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। रोग ऋण शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। जून की बात करते हैं। जून में शनिदेव वक्री हो जाएंगे, तो आपकी वाणी कटु होगी। परिवार में वाद विवाद हो सकता है। मानसिक चिंता बढ़ेगी। एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बन रहे हैं। अचानक से धन की हानि भी हो सकती है। जुलाई की बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। जुलाई में गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, तो आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी। आप जिद्दी हो सकते हैं। प्रेम में आपको असफलता मिलेगी। पुत्र संबंधित चिंता हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है। धर्म में आपकी अरुचि रहेगी और आस्था की जगह तर्क ले लेगा। अगस्त की बात करते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। कोर्ट कचहरी या अस्पताल के आपके चक्कर लग सकते हैं अगस्त के महीने में। रोग की अधिकता रहेगी। परिवार में कोई ना कोई बीमार रहेगा। समाज में प्रतिष्ठा भी कम हो सकती है। सितंबर की बात करते हैं। सितंबर में आय के अन्य स्रोतों से आपको लाभ हो सकता है। कार्य की अधिकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में बोझ से वाद विवाद हो सकता है और व्यर्थ का परिश्रम और यात्राएं हो सकती है। अक्टूबर की बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। रोग ऋण शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी। कोर्ट केस में विजय होगी। धार्मिक यात्राओं के योग अक्टूबर में बन सकते हैं। नवंबर की बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। नवंबर में गुरुदेव बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। परिवार में कोई बड़ा आयोजन हो सकता है। सभी का सहयोग प्राप्त होगा। पुत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है और पार्टनरशिप से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। दिसंबर की बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। दिसंबर का महीना काफी शानदार रहेगा। सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होगी। विदेश यात्रा के योग लग रहे हैं। नए कार्य आप प्रारंभ दिसंबर के महीने में कर सकते हैं। रोग ऋण शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी और समाज में कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मीन लग्न वालों के लिए यह वर्ष काफी शानदार रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति वो आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में आ जाएंगे। राहु के प्लेसमेंट आपके दूसरे भाव में हो जाएगी और शनि की जो प्लेसमेंट है वो आपके 12वें भाव में हो जाएगी। तो राहु का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और शनि तीनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अप्रैल का जो महीना है उसके बाद आपका समय बहुत शानदार है। एक राजयोग बन जाएगा यहाँ पर। धर्म की ओर आपका रुझान रहेगा और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो दोस्तों ये था मीन लग्न का 2022 का वर्षफल। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।